हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग, माय नेम इज अमन और आप देख रहे हैं YET योर इंग्लिश ट्यूटर, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां पे आप हर रोज़ मेरे साथ इंग्लिश सीखते हो उन तरीकों से जो कि इंटरेस्टिंग है और ऐसे तरीके जो इफेक्टिवली आपके दिमाग से इंग्लिश के डर को निकालते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल हम लेने वाले हैं सो क्लोज येट सो फार विच इज़ बेस्ड ऑन द मून मिशन लूनर मिशन। बहुत अच्छा एडिटोरियल है। एक्चुअली मैं सेकंड वाला लेना चाहता था बट आई रियलाइज कि जो फर्स्ट वाला है इंटरेस्टिंग है सेकंड वाले से बहुत ज़्यादा। तो ना केवल इंटरेस्टिंग है बट इट इज़ ऑल्सो फुल ऑफ लेसन्स विद ईच एंड एवरी पैराग्राफ एंड लाइन। बहुत सारे लेसन्स हैं इसके अंदर। आज आप मेरे साथ उतना सीखेंगे जितना आप दो या तीन दिन में सीखते हैं, या एटलीस्ट आप 4-5 घंटे की स्टडी खुद करेंगे तो आप उसमें उतना सीख पाएंगे आप भी। एनीबडी कैन डू एनीथिंग बट आपको बहुत सारे एफर्ट्स उसमें डालने पड़ेंगे जो आप अगले आधे घंटे में मेरे साथ सीखने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं हर रोज़ बोलता हूँ, अगर आपने चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि लेसन्स आपको रोज़ लेने पड़ेंगे। 10-15-20 लेसन्स लेने के बाद आपको जो है ना लेवल एक दर्जा ऊपर आएगा। थोड़ा सा आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो तो थोड़ी कंटिन्यूटी आपको अपने पास रखनी पड़ेगी। शुरू करते हैं सो क्लोज येट सो फार। देखिए सो क्लोज बहुत पास, फिर भी येट अभी भी, सो फार बहुत दूर। कहने का मतलब ये है कि पहुँच गए, बहुत क्लोज आ गए, अभी भी बहुत दूर रह गए जो काम करना चाहते थे उससे। बहुत ही अच्छा एडिटोरियल लिखा हुआ है, इसमें किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा है, ऑप्टिमिस्टिकली हमें बता रहा है कि लूनर मिशन किन मायनों में, किन एस्पेक्ट्स के अंदर एक सक्सेसफुल मिशन था और कौन से वो मायने थे, कौन से वो एस्पेक्ट्स थे जहाँ पर आज भी जो हम जो इस मिशन के कारण जो है, इस मिशन के पूरा ना होने के कारण जो है हम पीछे रह गए हैं। चंद्रयान 2 माइट हैव फेल्ड। देखिए ये मिशन का नाम है चंद्रयान 2। माइट हैव फेल्ड, फेल तो आप जानते हैं नाकामयाबी, हैव फेल्ड लगा हुआ है ना, मतलब यहाँ पे लगा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि चंद्रयान 2 के साथ में हैव लगा हुआ है। चंद्रयान 2 इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका और हैव जो आपकी प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है। रीजन क्या है, मैंने आपको पहले बताया था, पहले लग गई है इसकी एक मॉडल माइट नाम की। कुड, शुड, माइट, मे, ये सब की सब क्या होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। जब भी मॉडल लगती है मॉडल के साथ में आप बेयर इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं, आप वर्ब की जीरो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको यूज़ करते हैं। तो इसने इसलिए चंद्रयान के साथ में हैव फेल्ड लगाया। तो चंद्रयान माइट हो सकता है हैव फेल्ड, फेल हो चुका हो सकता है चंद्रयान 2 फेल हो चुका हो। कह रहा है इन एन ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव में, एक लक्ष्य में, एक मकसद में, ये सब इसके परस्यूट पर्पज जो है सिनोनिम है। एक लक्ष्य में हो सकता है फेल हो गया हो, बट लेकिन द मिशन इट्सेल्फ इज नॉट अ फेलियर। ये जो मिशन है ना, द मिशन, द क्यों लगा रहा हूँ मैं, चंद्रयान 2 में पहले बोल चुका हूँ उसी मिशन की मैं बात फिर से कर रहा हूँ, द लगा के मैं बता रहा हूँ, डेफिनेट एक नाउन की बात कर रहा हूँ इसलिए द लगाया मैंने। द मिशन जो है ना, ये जो मिशन है इज़ नॉट अ फेलियर, ये एक फेलियर नहीं है, एक नाकामयाबी नहीं है। अब देखो इसने बीच में लगा दिया इट्सेल्फ। देखो ये इट्सेल्फ, योरसेल्फ, माईसेल्फ, ये सब के सब क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। एक छोटा सा रूल होता है इनको यूज़ करने का, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं बता पाऊंगा, मुझे अलग से कभी ज़रूर लेना पड़ेगा इस टॉपिक को अलग से। इसका मतलब क्या होता है, खुद, हिमसेल्फ मतलब वो खुद, हरसेल्फ मतलब कोई लेडी है वो खुद, देमसेल्फ मतलब कई सारे लोग हैं वो खुद, योरसेल्फ मतलब तुम खुद, माईसेल्फ मतलब मैं खुद। अब यहाँ पे इसने लगाया इट्सेल्फ, तो इट्सेल्फ मतलब वो खुद, किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए इट यूज़ कर रहे हैं। तो कह रहा है देखो अपने को यूज़ कब करना होता है, इट्सेल्फ को, माईसेल्फ को, यूरसेल्फ को, तो यो आपका जो पर्पज़ है ना, वो तीन तरह के पर्पज़ होते हैं इनको यूज़ करने के। पहला पर्पज़ जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो किसी भी सेंटेंस के अंदर, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही इंसान हो ना, एक ही चीज़ हो, तब आपको ऑब्जेक्ट की जगह जो है माईसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, जो भी सूटेबल हो उस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ कर देना। चलो मैं यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। ही कट हिमसेल्फ विद अ ब्लेड, तो उसने क्या कट किया एक ब्लेड से, किसको किया, हिमसेल्फ। अब मुझे हिमसेल्फ नहीं लगाता तो मैं क्या बताता, उसने किसको मारा, किसको काटा उसने ब्लेड से, तो मैं क्या लिखता, ही कट विद अ ब्लेड। अब उसको आपको बताना है कि उसने काटा किसको, उसने खुद को काटा है ना, तो आपने उसको खुद को काटा है तो मैंने ही का बना दिया हिमसेल्फ। अगर यहाँ पे आई होता तो मैं लिख देता माई सेल्फ, अगर यहाँ पे शी होता तो मैं लिख देता हर सेल्फ। एक तो पहला रूल आपका ये हो गया क्लियर, जब भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ कर देना। एक और सेंटेंस बताता हूँ, शी बॉट अ प्रेजेंट फॉर हर सेल्फ, उसने खरीदा एक गिफ्ट, एक प्रेजेंट, किसके लिए खरीदा। अब देखो उसको खुद के लिए खरीदना था तो खुद के लिए शी लगाया तो मैंने लगा दिया हर सेल्फ, अगर यहाँ पे यू होता तो मैं लिख देता योर सेल्फ,
अगर यहाँ पे माई आई होता तो मैं यहाँ लिख देता बाई सेल्फ। समझ लो मेरी बात को, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हो जाएगा। दूसरा इसका रूल जो है ना, वो इसको यूज़ करने का है ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में, जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तब आप उसको वहाँ पे यूज़ करना है। अब देखो ज़्यादा मैं इसमें टेक्निकली अंदर नहीं बताऊँगा ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ऐसी वर्ब आप समझ लो जिसके साथ में एक ऑब्जेक्ट की हमेशा आपको ज़रूरत होती है, आप बिना ऑब्जेक्ट के उस वर्ब को कहीं यूज़ नहीं करते हो, उसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जब भी ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे यूज़ कर रहे हो ना जहाँ पे आपको एक्चुअल में ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहे हो, तो वहाँ पे आप अपना जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको लगाना पड़ेगा। जैसे इन्जॉय एक ट्रांजिटिव वर्ब है, अभी इन्जॉय के साथ में ना आपको लगाना पड़ता है एक ऑब्जेक्ट, पर कभी कभी आपको लगेगा जब आप खुद इन्जॉय कर रहे हो तो आपको ऑब्जेक्ट लगाने की क्या ज़रूरत है। आई इन्जॉयड, आप बोलो ना आई इन्जॉयड एट द पार्टी, तो आप बोल रहे हो यार आई एंजॉयड द पार्टी, तो मैंने मुझे ऑब्जेक्ट लगाने की क्या ज़रूरत है, मैंने तो इन्जॉय किया। तो जहाँ भी ऐसा हो, जब आपको लगे कि आपने खुद ने कोई काम किया है, ट्रांजिटिव वर्ब कोई एक्शन किया है, ट्रांजिटिव एक्शन, तो वहाँ पे आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ कर लेना है। तो आप ऐसा बोलोगे वी इन्जॉयड आर सेल्फ एट द कॉन्सर्ट, हमने कॉन्सर्ट पे इन्जॉय किया ना, तो इन्जॉयड आर सेल्फ। जैसे लेट्स हेल्प आर सेल्फ, हम जो है खुद की हेल्प कर रहे हैं, हम खुद खाना परोस के खा रहे हैं, सर्व करके खा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे लेट्स हेल्प आवर सेल्फ, खुद की हम जो है हेल्प करेंगे। इस तरह से इसको आप यूज़ करते हो। तीसरा तरीका होता है ज़्यादा जोर देने के लिए किसी सब्जेक्ट पे भी आप इसको यूज़ कर लेते हो। एग्जांपल देता हूँ, जॉन हिमसेल्फ इज़ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, जॉन जो है वो खुद इस ओनर हैं इस प्रॉपर्टी के। आपने जॉन के ऊपर इम्फेसिस डाला है, जोर डाला है, इसलिए आपने जॉन के आगे हिमसेल्फ लगा दिया। वैसे ही जहाँ पे जैसे इस सेंटेंस में आप देखो मिशन इटसेल्फ इज़ नॉट अ फेलियर, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते थे ना मिशन इज़ नॉट अ फेलियर, वो भी सही होता, पर ये इटसेल्फ लगा करके हमने बताया, मिशन के ऊपर जोर देते हुए हमने बताया कि ये नहीं था अपने आप में खुद एक फेलियर, एक नाकामयाबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इसरो तो जानते हैं ना, फुल फॉर्म बता रहा है इसरो की, कह रहा केम टेंटलाइजिंगली क्लोज टू क्रिएटिंग। देखिए टेंटलाइजिंगली, पहले एक चीज़ मैं आपको बताया था, ये LY आता ना LY, ये सबकी सब LY वाली ज़्यादातर क्या होती हैं, एडवर्ब्स होती हैं। एडवर्ब्स का मतलब क्या है, ऐसी एक जो एक ऐसा एडजेक्टिव एडवर्ब जो कि किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, जो अपने पास आने वाले किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, उसको कहते हैं एडवर्ब। एडवर्ब तभी लगेगी जब आप कोई काम हो रहा है ना उसकी कोई खासियत बता रहे हो, वो काम इस खास तरीके से हो रहा है, वो वर्ब इस खास तरीके से हो रही है। जैसे यहाँ पे टेंटलाइजिंग होता है रोमांचक रूप से, टेंटलाइजिंग मतलब जिसमें बहुत इंटरेस्ट आए आपको, एल्यूरिंग हो, इनवाइटिंग हो, सुपर अट्रैक्टिव हो, उसको कहते हैं टेंटलाइजिंग। तो इसरो जो है वो टेंटलाइजिंगली क्लोज आ गया, ये क्लोज जो आया ना वो टेंटलाइजिंगली आया, इसने जो केम क्लोज आया ना, जो नज़दीक आया, उसकी इसने विशेषता बताई है यहाँ पे, उसकी खासियत बताई है, इसलिए इसको इसने एज एडवर्ब यूज़ करके यहाँ टेंटलाइजिंगली लिखा है। ठीक है, रोमांचक रूप से केम क्लोज टू क्रिएटिंग, आ गया नज़दीक क्रिएट करने के, बनाने के, क्या हिस्ट्री इतिहास को, इन द अर्ली आवर्स ऑफ सितंबर 7, सितंबर 7 के अर्ली आवर्स में। अर्ली आवर्स क्या होते हैं, बिल्कुल सुबह सुबह का वक्त, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 2 बजे। व्हेन, जब द रोबोटिक लैंडर विक्रम फॉलोड द, देखिए रोबोटिक लैंडर, लैंडर कौन होता है, जो आपको लैंड करवाए, जो आपको नीचे उतारे, और ये है रोबोटिक। रोबोटिक मतलब जो रोबोट से काम कर रहा हो, ड्रिवन बाय अ रिमोट हो, रोबोट हो, या आप ऐसा कहते हो ना ऑटोमेटिक हो। जब ऑटोमेटिक लैंडर है जिसका नाम है विक्रम, फॉलोड द प्री डिटरमाइंड डिसेंट ट्रेजेक्ट्री, विक्रम ने फॉलो की प्री डिटरमाइंड, प्री मतलब पहले से, डिटरमिंड मतलब निर्धारित, डिसाइडेड, जो चीज़ पहले से डिसाइडेड हो ना उसको कहते हैं प्री डिटरमिंड। ये देखो इसके सिनोनिम भी लिख दिया मैंने, जब विक्रम ने फॉलो किया उस रास्ते को, कौन सा, जो प्री डिटरमाइंड था, जो पहले से डिसाइडेड था, और रास्ता क्या था, डिसेंट का था, डिसेंट मतलब नीचे उतरना, और डिसेंट ट्रेजेक्ट्री थी, ट्रेजेक्ट्री होती है किसी रास्ते का, स्पेशल टाइप ऑफ एक रास्ता होता है ना उसको हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने अलग से रखी है, देखो ये होती है ट्रेजेक्ट्री, यहाँ से कोई चीज़ आपने ऊपर फेंकी, ऊपर गई 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 गई, फिर ये जो है घूम करके आ गए नीचे, इसको कहते हैं ट्रेजेक्ट्री, ये होती है ट्रेजेक्ट्री, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये कह रहे हैं जब विक्रम ने फॉलो किया पहले से निर्धारित, पहले से डिसाइडेड उतरने की ट्रेजेक्ट्री, उतरने के रास्ते को, और क्या हुआ, केम जस्ट विद इन 2 किलोमीटर ऑफ नोलर सर्फेस, केम आ गया जस्ट विद इन, बीच में 2 किलोमीटर के, किसके, लूनर सरफेस के, लूनर मतलब मून, मून के धरातल के ग्राउंड के 2 किलोमीटर आ गया, बिफोर कॉन्टैक्ट वॉज लॉस्ट, जिससे पहले कि कॉन्टैक्ट वॉज लॉस्ट, कॉन्टैक्ट हो गया लॉस्ट। पूरी लाइन में फिर से बता रहा हूँ आपको, सिंपल सी लाइन है, थोड़ी बड़ी है, कह रहे थे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, बड़े रोमांचक रूप से, बड़े इंटरेस्टिंग रूप से
क्लोज आ गया क्रिएट करने के, हिस्ट्री इतिहास रचने के बिल्कुल नज़दीक आ गया, सितंबर 7 की भोर सुबह में, सुबह अर्ली आवर्स में। और कब आया ये, जब एक ऑटोमेटिक लैंडर जिसका नाम था विक्रम, उसने फॉलो किया, फॉलो क्या किया उसने, एक पहले से डिटरमिंड, पहले से डिसाइडेड एक उतरने की ट्रेजेक्टरी को, उतरने के रास्ते को, और वो आ गया 2 किलोमीटर के अंदर किसके, लूनर सरफेस के, चंद्रमा के, चांद के, धरातल के, ग्राउंड के, और इससे पहले कि कॉन्टैक्ट वॉज लॉस्ट, और कॉन्टैक्ट हो गया लॉस्ट, कॉन्टैक्ट लॉस्ट होने से जस्ट पहले, संपर्क टूटने से जस्ट पहले ये काम हुआ है, इसका कहने का मतलब ये। तो ये टोटल रोमांस था, उतर रहा है 2 किलोमीटर नज़दीक आ गया, और उससे पहले जो है कॉन्टैक्ट जो लॉस्ट हो गया उसके आते ही। कह रहा व्हाइल इट इज़ अनफॉर्चुनेट, जहाँ इट इज़ ये है अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट तो आप जानते हैं ना, जो चीज़ फॉर्चुनेट नहीं हो, बहुत ख़राब हो, दुर्भाग्य की बात हो, कह रहा है कि ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बड़ी फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट बात है, दैट ये कि द लैंडर फेल टू सेफली टच डाउन, जो लैंडर है ना ये फेल हो गया, ये नाकामयाब रहा, किस काम के लिए, तू लगा के बता रहा है, सेफली हिफाजत से, सुरक्षित से, सुरक्षित होकर के टच डाउन करने में। टच डाउन क्या होता है, तोड़ो इस वर्ड को, टच छूना, डाउन नीचे, टच डाउन मतलब कोई चीज़ जब ऊपर से नीचे आती है उसको कहते हैं टच डाउन, अब वो आएगी धरती के ऊपर बैठेगी, धरातल को छुएगी, ग्राउंड को, टच डाउन। तो कह रहा है ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि लैंडर फेल हुआ, नाकामयाब हुआ सेफली टच डाउन करने में। आगे कोमा लगा क्या कर रहा है, इट इज़ एप्ट, देखिए एप्ट का मतलब क्या होता है, सूटेबल, बिल्कुल सही, कन्वीनियंट बोल सकते हो। तो कह रहा है ये बड़ी अप्रोप्रिएट बात है, ये बिल्कुल सही बात होगा, क्या, टू रिमेंबर, इस चीज़ को याद रखना, क्या, दैट इसरो वॉज अटेम्प्टिंग, इसरो क्या अटेम्प्ट कर रहा था, वॉज अटेम्प्टिंग मतलब कर रहा था कोशिश, क्या, पावर लैंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, इस पावर लैंडिंग नाम की चीज़ को, ये पावर लैंडिंग मतलब कोई काम है, पावर लैंडिंग बोलते हैं जिसको, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। तो ये याद आपको रखना पड़ेगा, इस चीज़ को याद रखना बिल्कुल सही होगा कि पहली बार इसरो जो है ना ये पावर लैंडिंग का काम कर रहा था, आज तक इसने कभी ऐसा किया नहीं, भले ही जो है टच डाउन करने में ये अनफॉर्चुनेट रहा हो। अभी आगे बताएगा ये पावर लैंडिंग क्या होती है, उससे पहले कह रहा है टू पुट इट इन परस्पेक्टिव, देखिए पुट समथिंग इन परस्पेक्टिव इडियम है, मैं इसको इडियम को तोड़ के बताता हूँ आपको कैसे आपको इसको याद रखना है। पुट मतलब रखना, इनटू मतलब प्रीपोजिशन, और परस्पेक्टिव मतलब नज़रिया, दृष्टिकोण, किसी चीज़ को है ना जब नज़रिए में रखते हो तो आप कहते हो पुट इनटू परस्पेक्टिव, और रखते कैसे हो, जब किसी चीज़ को उसके जैसी किसी दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हो ना तो आप उसको समझने की कोशिश करते हो, इसलिए आप कहते हो आई एम पुटिंग इनटू इन परस्पेक्टिव। आपको एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, टू पुट द डिग्री ऑफ हिज सक्सेस इनटू परस्पेक्टिव, उसकी सक्सेस, उसकी कामयाबी की डिग्री को, लेवल को परस्पेक्टिव में पुट करने के लिए, उसको सही तरीके से, सही नज़रिए से देखने के लिए, क्या, ही इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबल इन इकोनॉमिक्स, वो पहला आदमी है, पहला इंडियन है जिसने नोबल जो है इकोनॉमिक्स में जीता। ये कह रहा है कि इसको सिर्फ बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको उसकी उसकी जो कामयाबी है उसको परस्पेक्टिव में रखने के लिए मैं बता रहा हूँ कि वो पहले आदमी है जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है। तो पुट इनटू परस्पेक्टिव का मतलब ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे ये चीज़ खास है। देयर हैव बीन 38 अटैम्प्ट सो फार बाई अदर कंट्रीज, देयर हैव बीन, वहाँ रहे हैं कितने, 38 अटैम्प्ट मतलब कोशिशें, सो फार मतलब अभी तक, और किसके द्वारा, किसने की, अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज के द्वारा, किस काम के लिए, टू लैंड अ रोवर ऑन द मून, मून पर एक रोवर को लैंड करवाने के लिए। रोवर क्या होता है, जो चीज़ घूमती है ना, चलती है, रोव करती है, इधर उधर भटकती है, उसको कहते हैं रोवर। रोवर क्या होते हैं, उतर जाते हैं किसी सरफेस पे, किसी चंद्रमा पे, किसी बृहस्पति पे, किसी शनि पे, और वहाँ उतर करके घूमते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। तो लैंड करवाने के एक रोवर को मून पे, ये कह रहे हैं 38 अटैम्प्ट अभी आज तक हो चुके हैं, एंड हैव सक्सीडेड ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ द टाइम, और सक्सीड हुए हैं, हैव सक्सीडेड कामयाब हुए हैं, ओनली सिर्फ महज अ लिटल मोर देन हाफ द टाइम, आधे टाइम से ज़्यादा ही जो है लिटल मोर जो है हुए हैं सक्सीड, मतलब 38 का आधा 19, तो 19-20 अटैम्प्ट ही आज तक जो 38 में से जो हैं इस चीज़ को करने के, किसके, पावर लैंडिंग के। आगे कह रहे हैं दिस अप्रैल, इस अप्रैल के अंदर इजराइल्स या इजराइल्स बेरेशिट लूनर, इजराइल के जो बेरेशिट लूनर है ना, लूनर लैंडर इनका नाम है, क्रैश टू द लूनर सरफेस, वो क्रैश टू हो गए। क्रैश टू का मतलब क्या होता है, जा करके गिर गए, घुस गए, किसके अंदर, लूनर सरफेस के अंदर। सिंपल टेंस है, पास सिंपल टेंस इसको हम बोलते हैं, इस ईयर ये हुआ हमने बता दिया, क्रैश टू द लूनर सरफेस। बट लेकिन अर्ली जनवरी, देखिए अर्ली जनवरी अभी ऊपर हमने देखा था, अर्ली आवर्स ऑफ द डे, अर्ली मॉर्निंग, तो अर्ली जनवरी भी वैसा ही है। अर्ली जनवरी का मतलब है
जनवरी का पहला वीक, 10 जनवरी तक की बात करो तो आप, तो शुरुआत में जनवरी के दिस ईयर इस साल चाइनाज चेंग ई 4 टच डाउन ऑन द लूनर सरफेस फार साइड। तो चाइना का ये जो नाम बताया इसने चेंग्स ई 4, इसने टच डाउन किया। टच डाउन तो मैंने आपको बताया था ना, इसने जाकर के छू लिया ग्राउंड को ऑन द लूनर पे फार साइड, उसकी दूर के किनारे पे, फार वाली साइड पे, और क्या किया, एंड डिप्लॉयड द U22 रोवर, डिप्लॉय कर दिया। देखो पहले तो टच डाउन किया, पहले तो उतर गया, फिर इसने कर दिया उतर के डिप्लॉय। डिप्लॉय करने का मतलब क्या होता है, काम पे लगाना। काम पे लगा दिया इसने U22 नाम के रोवर को, और काम क्या था, टू एक्सप्लोर द सदर्न पोल एटकिन बेसिन, एक्सप्लोर करने का इस सदर्न पोल को जिसका नाम है एटकिन बेसिन को। देखिए सदर्न मतलब साउथ, साउथ का जो पोल है ना, साउथ का जो हिस्सा है ध्रुव है वहाँ पे, और एक्सप्लोर करने का मतलब होता है खोज करना, छानबीन करना। इसके कई सारे सिनोनिम्स हैं, एनालाइज, एग्जामिन, डिस्कवर, इंस्टिगेट, अनअर्थ, ये सब के सब इसके जो हैं सिनोनिम्स होते हैं। तो इसने ये काम किया चाइना के इस रोवर ने, चेंग ई 4 ने, इस साल की जनवरी में। आगे कह रहा है इन विक्रम, विक्रम के केस में क्या हुआ, द वेलोसिटी वॉज सक्सेसफुली रिड्यूस्ड। अब देखिए द वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, जो आपकी स्पीड होती है, स्पीड मतलब वेलोसिटी, वॉज सक्सेसफुली रिड्यूस्ड, पैसिव वॉइस है, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस कर दी गई। पैसिव वॉइस में क्या कहना चाह रहा है, इसको वेलोसिटी को कम कर दिया गया, कहाँ से, फ्रॉम अबाउट 6000 किलोमीटर पर आवर, 6000 किलोमीटर पर आवर से। फ्रॉम लगा के क्या बताना चाह रहा है, कहाँ से कहाँ तक ले गए हम, तो फ्रॉम 6000 किलोमीटर पर आवर, और कब थी ये, एट द स्टार्ट ऑफ द डिसेंट, डिसेंट के स्टार्ट के ऊपर, जब डिसेंट, जब चढ़ा, जो उतार है ना शुरू हुई थी तब की, और ये डिसेंट कहाँ स्टार्ट हुई थी, एट 35 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड होती है ऊंचाई, हाइट, तो 35 किलोमीटर की हाइट पे ये डिसेंट हुई थी, शुरुआत हुई थी इस डिसेंट की, तब इसकी स्पीड थी 6000 किलोमीटर पर आवर। अच्छा अब ये आ कहाँ गई, देखो यहाँ इसने लगाया फ्रॉम, यहाँ लगा रहा है टू, ये वहाँ से वहाँ कहाँ आ गई, टू अ फ्यू किलोमीटर्स, मीटर्स पर सेकेंड, एक कुछ, फ्यू मतलब कुछ, एक 10-15-20, अ फ्यू मीटर्स पर सेकेंड पे यहाँ पे आ गई, और कब आई, बिफोर कम्युनिकेशन स्नैप्ड, जब कम्युनिकेशन जिससे पहले की स्नैप हो जाता, स्नैप होने का मतलब क्या, झटके से कोई चीज़ टूट जाती है ना, जैसे पेड़ की डाली टूटती है तो स्नैप की आवाज़ होती है, इसको कहते हैं स्नैप होना, झटके से टूट जाना। तो विक्रम के केस में पूरा ये कहना ये चाह रहा है कि जो स्पीड थी उसको बड़ी सक्सेसफुली कामयाबी के साथ रिड्यूस कर दिया गया, जब वो थी 6000 किलोमीटर वहाँ से, 6000 किलोमीटर पर घंटे से स्टार्ट पे डिसेंट की उतार के, और ये था 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे, और लेकर के आ गए कुछ मीटर्स पर सेकेंड पर, जब हमारा कम्युनिकेशन झटके से स्नैप हुआ, टूट गया। आगे क्या कहना चाह रहा है, दैट स्ट्रांगली इंडिकेट्स, ये जो चीज़ है ना स्ट्रांगली इंडिकेट करती है, स्ट्रांगली लगा यहाँ पे एडवर्ब है, इंडिकेट यहाँ पे आपकी वर्ब है, तो ये इंडिकेट करती है, बताती है कैसे, स्ट्रांगली, स्ट्रांगली का यही काम है, यहाँ पे एडवर्ब जो है वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, तो ये चीज़ बड़ी मजबूती से हमें ये बताती है, स्ट्रांगली इंडिकेट करती है क्या, दैट पावर लैंडिंग वेंट एज पर प्लान, तो जो हमारी पावर लैंडिंग का जो काम था ना वो वेंट एज पर प्लान होगा, वेंट मतलब जाना, एज पर प्लान मतलब प्लान के हिसाब से, ये पूरा फ्रेज है, जब कोई चीज़ बिल्कुल आपकी योजना आपके प्लान के हिसाब से जाती है तो आप बोलते हो द थिंग आई प्लान्ड वेंट एज पर प्लान, तो ये पावर लैंडिंग वेंट एज पर प्लान, कब तक, आगे लगा के कह रहे हैं टिल अबाउट 2 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द लूनर सर्फेस, लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक, कहाँ से, लूनर के सरफेस से, चंद्रमा के धरातल से, चंद्रमा के लूनर के सरफेस से 2 किलोमीटर पहले तक है ना, सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से रहा था, ये चीज़ ये स्ट्रांगली इंडिकेट करती है जो इसने ऊपर बताई। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, बड़ा इजी एडिटोरियल है, आई सजेस्ट कि आप इसको पहले खुद पढ़ें, आपको मेरे ख्याल से एटलीस्ट 70% एडिटोरियल समझ में आना चाहिए, अगर आप मेरे साथ से महीने भर से, अगर मेरे साथ चैनल से जुड़े हुए हैं, आप खुद पढ़ें उसके बाद इस वीडियो को आप सुने, ताकि आपको जो मिस हो गई हो चीज़ें उनको आप, वो आपको मालूम पड़े और आपकी डेफिशिएंसीज आपको मालूम पड़े। व्हाइल द पावर लैंडिंग ऑफ विक्रम एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मून सरफेस फॉर 14 odd days, देखिए व्हाइल, जहां पावर लैंडिंग तो आपको मैंने बता दिया किसकी, विक्रम की, और क्या, एक्सप्लोरेशन ऑफ मून सरफेस, मून के सरफेस पे जो एक्सप्लोरेशन करने वाले, एक्सप्लोरेशन क्या होता है, जो खोजबीन तहकीकात होने वाली है, फॉर 14 अर्थ डेज, ये काम होने वाला था
अर्थ के 14 दिन के अंदर, मतलब अर्थ डेज का मतलब है 24 आवर्स, चंद्रमा का मून का कुछ अलग डे का हिसाब हो सकता है ना, तो इसने अर्थ के डेज का हिसाब बताया। करे जहां पावर लैंडिंग विक्रम की और छानबीन जो है मून के सरफेस की 14 दिन के लिए फॉर 14 डेज बाय द प्रज्ञान रोवर, अब ये प्रज्ञान रोवर का नाम है जो ये काम करने वाला था, बाय द प्रज्ञान रोवर वर वो के क्या थे, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स। देखो ये दोनों चीजें है ना मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, मेन ऑब्जेक्टिव्स में से एक थी ये दोनों चीजें, जो भी हमारे मेन लक्ष्य थे उनमें से एक थी ये दोनों चीजें। कह रहे मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चंद्रयान टू, कह रहे ये पूरी चीज आप इतनी समझो मेरे साथ कि जहां ये दोनों चीजें मेन ऑब्जेक्टिव थी क्या, वहां पे लैंड करना और एक्सप्लोर करना। आगे कह रहे इट इज रॉन्ग टू थिंक, ये बहुत गलत होगा थिंक करना सोचना क्या, दैट द मिशन इट्सेल्फ हैज फेल्ड, कि जो मिशन है ना इट्सेल्फ अपने आप खुद में पूरी तरह फेल हो गया। इट्सेल्फ जिसने मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, मिशन के ऊपर अपने जोर दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये बड़ी गलत बात होगी ये सोचना कि मिशन जो है वो अपने आप में फेल हो गया, चाहे ये दोनों चीजें जो है मेन ऑब्जेक्टिव इसके पूरे ये नहीं कर पाया। अब यहाँ पे एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं मैं, वन ऑफ समथिंग, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव, इसको बहुत लोग गलत यूज करते हैं। इसका मतलब ये होता है, देखो मैं बताता हूँ यूज करके, डॉक्टर कलाम वॉज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट साइंटिस्ट एवर। तो डॉक्टर कलाम क्या थे, एक थे, वॉज वन, कई स्मार्टेस्ट, जो बहुत सारे स्मार्टेस्ट साइंटिस्ट आए हैं ना आज तक उनमें से एक थे। देखिए यहाँ पे स्मार्टेस्ट साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ये वन देख करके आप इस एस को हटा दोगे तो गलत हो जाएगा। बहुत लोग क्या लिखते हैं, ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, तो माई बेस्ट फ्रेंड्स की बात हो रही है यहाँ पे, बहुत सारे मेरे अच्छे दोस्त हैं उनमें से एक वो मेरा है अच्छा दोस्त है, ही इज वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स आप कह सकते हो। तो आप जो यहाँ पे ना इस वन को देख करके साइंटिस्ट के पीछे का एस नहीं हटा देना है। ये एक और बताता हूँ, पीसी जो है प्रियंका चोपड़ा इज वन ऑफ द प्रेटियस्ट गर्ल्स ऑफ द सिनेमा इंडस्ट्री, तो सिनेमा इंडस्ट्री की जो सबसे खूबसूरत लड़की है ना, प्रेटियस्ट गर्ल्स, उनमें से एक पीसी है प्रियंका चोपड़ा है। तो खूबसूरत गर्ल्स की बात कर रहा हूँ ना इसलिए मैं यहाँ पे एस लगा रहा हूँ, भले ही मैं बात कर रहा हूँ प्रियंका चोपड़ा के खूबसूरत होने की। तो आपको इस एस को नहीं भूल जाना है इस स्ट्रक्चर के अंदर, पीछे वाले को आपको प्लूरल ही रखना है। तो कह रहा है यही इसके वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स थे ना कि ऑब्जेक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑन द कॉन्ट्रेरी, देखिए ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या है, इससे बिल्कुल उल्टा, कॉन्ट्रेरी मतलब उल्टा। इसको आप एक और देखोगे, आप इसके जैसे एक सिनोनिमस फ्रेज होता है, कॉन्ट्रेरी टू द पॉपुलर बिलीफ, जो पॉपुलर बिलीफ है जो सब लोग मानते हैं उससे बिल्कुल उल्टा। तो कह रहा है ऑन द कॉन्ट्रेरी, इससे बिल्कुल उल्टी बात ये, 90% ऑफ द मिशन ऑब्जेक्टिव्स हैव ऑलरेडी बीन अकॉम्प्लिश्ड, तो 90-95% है ना इस मिशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो लक्ष्य हैव ऑलरेडी बीन ऑलरेडी अकॉम्प्लिश हो चुके हैं, पूरा किया जा चुका है उनको। अकॉम्प्लिश को क्या बोलते हैं, पा लेना, अचीव कर लेना। चलिए द ऑर्बिटर इज सेफ इन द इंटेंडेड ऑर्बिट अराउंड द मून, जो ऑर्बिटर है ना, ऑर्बिटर कौन है, जो ऑर्बिट के अंदर जो चारों तरफ चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है उसको कहते हैं ऑर्बिटर। तो कह रहा है जो ऑर्बिटर है जो चक्कर लगा रहा है चंद्रमा के, वो क्या है, इज सेफ, बड़ा महफूज है, कहाँ पे, इन द इंटेंडेड ऑर्बिट, उस ऑर्बिट में उस चक्कर लगाने के रास्ते पे जो इंटेंडेड था। इंटेंडेड क्या होती है, जिस चीज की आपकी इंटेंशन हो वो होती है इंटेंडेड, जो आपका इरादा हो वो होती है इंटेंडेड। तो जहां उसका चक्कर लगने का इरादा था ना वहां पे ऑर्बिटर चक्कर लगा रहा है सेफली, इसका कहने का मतलब ये क्या है, और कहां लगा रहा है, अराउंड द मून, मून के चारों तरफ। कह रहा है एंड विद द प्रिसाइस लॉन्च एंड मिशन मैनेजमेंट, देखिए एंड और विद के साथ ही, किसके, द प्रिसाइज लॉन्च के, देखिए ऐसी लॉन्च जो कि सटीक है, प्रिसाइज मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट निशाने पे, कह रहे एक सटीक लॉन्च और क्या, मिशन मैनेजमेंट, जो पूरे मिशन की मैनेजमेंट हुई है वो सटीक है और जो लॉन्च की हमने वो बिल्कुल सटीक है। कह रहे इसके साथ में इट्स लाइफ स्पैन विल एक्सटेंड टू ऑलमोस्ट 7 ईयर्स, इसका जो लाइफ स्पैन है ना, इसकी जो लाइफ ड्यूरेशन है, लाइफ स्पैन मतलब कितना टाइम इसकी लाइफ है, कितना लंबा ये चलेगा, वो कह रहे विल, वो हो जाएगा एक्सटेंड, एक्सटेंड मतलब बढ़ जाएगा, कहाँ तक, टू ऑलमोस्ट 7 ईयर्स, लगभग 7 सालों तक। देखो विल भी मॉडल है, मॉडल ऑक्जिलरी वर्ब है, साथ में मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया है, ये इस रूल को आपको रूल ऑफ थंब मान के हमेशा अप्लाई करना है, मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा कुछ आपको नहीं लगाना है। ये बार बार बीच में ये आ रहा है ना, ये शायद जहाँ से मैंने आज अपलोड डाउनलोड किया है PDF, उस बंदे ने बहुत सारे लिंक डाल दिए इसके अंदर, तो परेशान कर रहा है अपने को आज वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैरिंग 8 ऑफ द 13 पेलोड्स, करते हुए कैरी 8 में से 13 पेलोड्स को,
करते हुए कैरी 13 में से 8 जो है 13 पेलोड है उनमें से 8 को द ऑर्बिटल विल स्पेंड द नेक्स्ट नियरली 7 ईयर्स. जो ऑर्बिटर है ना विल स्पेंड वो स्पेंड करेगा नेक्स्ट अगले नियरली लगभग 7 ईयर्स 7 साल क्या करते हुए मेकिंग हाई रिजोल्यूशन मैप्स बनाते हुए हाई रिजोल्यूशन के नक्शों को. मैप तो जानते हैं और हाई रिजोल्यूशन क्या होता है एकदम साफ बिल्कुल क्लियर बड़ा अच्छा सुंदर सा किसका ऑफ द लूनर सरफेस चंद्रमा के सरफेस का चांद के धरातल का. और क्या करेगा मैपिंग द मिनरल्स. देखिए मैप होता है नक्शा मैपिंग होती है नक्शा बनाना. वो नक्शा बनाता जाएगा मिनरल्स का जो वहाँ पे खनिज हमें मिल रहे हैं ना मिनरल जो मिल रहे हैं उनका नक्शा भी बनाएगा. और क्या करेगा ये सब काम करने वाला है वो अंडरस्टैंडिंग द मून्स इवोल्यूशन. मून के इवोल्यूशन की इवोल्यूशन क्या होता है कोई चीज़ कैसे विकसित होती है कैसे उसकी ग्रोथ होती है वो होता है इवोल्यूशन. अंडरस्टैंड करते हुए साथ में करेगा अंडरस्टैंड हमारे चांद के इवोल्यूशन को कैसे चांद पैदा हुआ. और क्या एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लुकिंग फॉर वाटर मोलिक्यूल्स. मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है लुकिंग फॉर करेगा ढूंढेगा. लुक फॉर फ्रेजर वर्ब है मतलब किसी चीज़ को ढूंढना और ढूंढेगा लुक फॉर करेगा पानी के पार्टिकल्स को. मोलिक्यूल्स मतलब छोटे 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 टुकड़े अणु बोलते हैं ना हिंदी में पार्टिकल बोल देते हैं आप या स्मॉल पार्ट्स बोल देते हैं. छोटे छोटे पानी के मोलिक्यूल्स को ढूंढेगा किसमें इन द पोलर रीजन. पोलर रीजन के अंदर ये सब जो है वो काम करने वाला है. अब देखो इसमें एक ध्यान देने वाली चीज़ ये है कैरिंग मेकिंग मैपिंग अच्छा अंडरस्टैंडिंग ये सब के सब लुकिंग फॉर ये सब के सब यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब फॉर्म में यूज हुआ है. इनमें से कोई भी जेरंड नहीं है क्योंकि ये सब काम है. जब भी काम करते हो ना आप कोई तो ing फॉर्म लगा करके आप वर्ब को बताते हो जेरंड होते हैं नाउंस. एक आगे जेरंड भी आएगा मैं आपको बताऊंगा आपको फर्क कैसे करना है थोड़ा ही बताऊंगा मैं आपको. कह रहा है सम ऑफ द देखो ये बहुत परेशान कर रहा है. सम ऑफ द इम्पैक्ट क्रिएटर्स इन द साउथ पोल आर परमानेंटली शेडोड. देखिए सम ऑफ द इम्पैक्ट क्रिएटर्स. इम्पैक्ट क्रिएटर्स क्या होते हैं क्रिएटर होता है गड्ढा इम्पैक्ट होता है असर. इम्पैक्ट क्रिएटर तब बनते हैं जब एक बड़ी सी कोई चीज जा करके घुस जाती है ना अपने सरफेस पे तो एक बड़ा सा गड्ढा बना देती है उसको कहते हैं इम्पैक्ट क्रिएटर्स. तो कह रहे हैं सम ऑफ द इम्पैक्ट क्रिएटर्स कई इम्पैक्ट क्रिएटर्स जो है ना किसमें इन द साउथ पोल रीजन में क्या कह रहा है आर परमानेंटली शेडोड. वो परमानेंटली मतलब हमेशा के लिए शेडोड हो गए हैं. शेडोड मतलब परछाई पड़ गई उन पे. शेडो होने का मतलब क्या छुप गए हैं वो किससे फ्रॉम सनलाइट से एंड कुड बी आइडियल कैंडिडेट साइट्स. और हो सकते हैं वो कुड बी आइडियल एक आदर्श बिल्कुल सही कैंडिडेट साइट्स ऐसी साइट्स जो कि कैंडिडेट हों किस काम के लिए टू हार्बर वाटर पानी को हार्बर करने के लिए. हार्बर क्या होता है शरण देना पानी को छुपा लेना रिफ्यूज देना. मैं पूरी लाइन का आपको मीनिंग बताता हूँ कि कई सारे क्रिएटर जो है ना कई सारे जो गड्ढे हैं वो साउथ पोल के अंदर हैं और वो परमानेंटली क्या छुप गए हैं शेडो से सनलाइट की. सनलाइट उनके ऊपर नहीं पड़ती है. और कह रहे हैं ये जो गड्ढे हैं ना ये क्रिएटर हो सकते हैं आइडियल बिल्कुल आदर्श कैंडिडेट बिल्कुल सही उम्मीदवार हो सकते हैं ये किस काम के लिए पानी को हार्बर करने के लिए. यहाँ पे सनलाइट पड़ नहीं रही है ये छुपे हुए हैं हमें दिख भी नहीं रहे हैं तो यहाँ पे जो है पानी हमें मिल सकता है हार्बर हो सकता है यहाँ पे पानी. यहाँ पे देखने वाली चीज़ क्या है जो हार्बर है उसका एक सिनोनिम होता है रेफ्यूज. दोनों एक ही मीनिंग है दोनों का. और दूसरी चीज़ ये परमानेंटली देखो फिर से LY आया जहाँ भी परमानेंटली स्लोली इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं सब के सब यहाँ पे एडवर्ब्स हैं परमानेंटली लगाए शेडोड नाम की वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए. क्रिएटर्स के एक अच्छा सिनोनिम है कैल्ड्रा बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कैल्ड्रा. अब इसको याद रखें गड्ढे को बोलते हैं कैल्ड्रा. चलिए आगे बढ़ते हैं. वाटर ऑन द मून पानी जो है मून पे वुड इन प्रिंसिपल होगा इन प्रिंसिपल. प्रिंसिपल मतलब क्या है PLE रूल के हिसाब से. PLE मतलब रूल वाला प्रिंसिपल. तो इन प्रिंसिपल रूल के हिसाब से क्या पानी जो है मून पे वुड बी यूज वो यूज किया जाएगा किस काम के लिए. फोर लगा के बता रहा है लाइफ सपोर्ट लाइफ को सपोर्ट करने के लिए. और क्या मैन्युफैक्चरिंग रॉकेट फ्यूल को मैन्युफैक्चर करने के लिए और लाइफ को चंद्रमा पे सपोर्ट देने के लिए. वाटर जो है ना प्रिंसिपल यही कहता है हमारा ये कहना मानना यही है इसलिए मून पे जो पाया जाएगा वाटर वो इसलिए यूज करेंगे हम लाइफ जो वहाँ पे एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं उनको पिलाने के लिए. और रॉकेट फ्यूल जो बन जाता है ना पानी क्या होता है H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग कर दो तो हाइड्रोजन बची वो बन गया आपका रॉकेट फ्यूल. चलिए आगे बढ़ते हैं. विद द US वांटिंग टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स के साथ ही विद किसके अमेरिका के क्या वांटिंग चाहने के
क्या सेंड करने के एस्ट्रोनॉट को, एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं ऊपर जाकर के काम करते हैं कुछ के साथ ही अमेरिका के उस कोशिश के उस इच्छा के भेजने के एस्ट्रोनॉट्स को टू द साउथ पोल बाय 2024 साउथ पोल रीजन्स में चंद्रमा के 2024 तक। इस चीज़ के साथ ही कह रहे द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए नासा की फुल फॉर्म बता रहा है, नासा इन पर्टिकुलर खासकर विल बी होगा कीन ऑन, कीन ऑन मतलब किसी चीज़ को वेट कर रहे होते हो, किसी चीज़ के लिए बहुत उत्सुक होते हो, बहुत उत्सुक होगा, बहुत वेट कर रहा होगा, बहुत चाह रहा होगा, क्या डेटा को चाह रहा होगा फ्रॉम द चंद्रयान टू ऑर्बिटर, जो चंद्रयान टू अपना इंडिया का गया है उस ऑर्बिटर से। इसमें क्या होता है, ये जो इन्फॉर्मेशन लाएंगे सबसे शेयर करेंगे एक्चुअल में, कहने का मतलब ये है। तो अमेरिका चाहता है कि 24 तक था ना रोबोट नहीं एस्ट्रोनॉट ही भेज दूँ वहाँ पे चंद्रमा के साउथ पोल रीजन्स में। तो उससे पहले की जो तैयारी में है उसमें जो नासा अमेरिका की संस्था है जो एजेंसी है वो खासकर इस डेटा में बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत कीन ऑन है जो चंद्रयान टू ऑर्बिटर से इनको मिलने वाला है। कह रहे द इसरोज मून इम्पैक्ट प्रोब, अब इसरो की ये इम्पैक्ट प्रोब का नाम है, प्रोब क्या होती है जांच पड़ताल एग्जामिनेशन खोज, तो इसरो की इसरोज मून इम्पैक्ट प्रोब और क्या एंड नासाज मून मिनरोलॉजी मैपर, देखिए दो चीज़ों की बात कर रहा है, हमारी इस मून इम्पैक्ट प्रोब और नासा के मून मिनरोलॉजी मैपर, ऐसा मैपर ऐसा नक्शा बनाने वाला जो मिनरोलॉजी देखेगा खनिजों को देखेगा ऑन बोर्ड, ये ऑन बोर्ड मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑन बोर्ड का मतलब क्या होता है सवार, इससे एक और वर्ड निकलता है एक और इडियम निकलती है एक और फ्रेज निकलता है अबव बोर्ड, आपको याद हो तो मुझे बताएं, सर्च करके नहीं बताएं, याद हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। तो कह रहा है ये दोनों चीज़ें जो है ना हमारा ये और नासा का ये ऑन बोर्ड है जो कि सवार है चंद्रयान यमन पे, कह रहा हैड ऑलरेडी प्रोवाइडेड एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये ऑलरेडी हैड प्रोवाइड कर चुका है पहले से बता चुका है एविडेंस को, एविडेंस क्या होती है प्रमाण, एविडेंस होते हैं सबूत, किसके पानी की मौजूदगी के, किसमें थिन एटमॉस्फेयर ऑफ द मून, चंद्रमा के बहुत जो थिन एटमॉस्फेयर है ना उसके अंदर बहुत जो पतला एटमॉस्फेयर है चंद्रमा का वातावरण है वहाँ पे ऑन द सरफेस एंड बिलो, सरफेस के ऊपर भी और सरफेस के नीचे भी, मतलब पानी की मौजूदगी, तो ये दोनों चीज़ें हमारी बताई चुकी हैं हमारा इसरो का ये और नासा का ये जो चंद्रयान वन पे जो है सवार। बहुत ही खराब PDF है जिस भी बंदे की मैंने डाउनलोड की है पूरी PDF पे इसने लिंक डाल रखे हैं, देख रहे हो ना जहाँ भी क्लिक करता हूँ लिंक आता है, बहुत गधा आदमी है जिसने भी ये PDF बनाई है। अ नासा स्टडी लास्ट ईयर फाउंड रीजंस, तो एक नासा की स्टडी, एक ऐसी स्टडी जो नासा ने की लास्ट ईयर पिछले साल, उसने क्या फाउंड रीजंस, उसने रीजंस को फाउंड किया, उसने पाया कई जो इलाकों को विद इन 20% 20 डिग्रीज ऑफ ईच पोल इन जनरल एंड विद इन 10 डिग्रीज इन पर्टिकुलर, देखिए विद इन के अंदर किसके 20 डिग्री के, किस चीज़ के हर एक पोल के, इन जनरल मतलब आमतौर पर, उसने कुछ पाया है, क्या पाया है कि हर पोल के 20 डिग्री के अंदर आमतौर पर और खासकर 10 डिग्री के अंदर, मतलब 10 डिग्री में तो खासकर, कह रहा है शोड साइंस ऑफ वाटर, दिखाए वाटर के साइंस, साइंस क्या होते हैं निशान, वाटर मतलब पानी, तो नासा स्टडी थी जिसने ये सब हमें दिखाया कि 20 डिग्री के अंदर और खासकर 10 डिग्री के अंदर तो पानी होता ही होता है पोल्स के। कह रहे द चंद्रयान टू ऑर्बिटर विल नाउ पॉसिबली रिकन्फर्म, तो चंद्रयान टू ऑर्बिटर है ना विल, वो क्या करेगा नाउ अभी पॉसिबली, फिर से एडवर्ब है लाइकली, कर ही सकता है हो सकता है संभावित है, क्या करेगा लाइकली रिकन्फर्म करेगा, फिर से कन्फर्म करेगा, री लगा हुआ मतलब फिर से, क्या द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द मून, चंद्रमा पे वाटर की प्रेजेंस को, प्रेजेंस क्या होती है उपस्थिति मौजूदगी, तो कह रहा है द चंद्रयान टू ऑर्बिटर जो है ना अब उससे यही पॉसिबिलिटी है कि वो रिकन्फर्म कर देगा जो नासा स्टडी ने बताया था चंद्रमा पे पानी मौजूद है। आई थिंक थोड़ा सा इजी एडिटोरियल था और आपके लिए थोड़ा और अच्छा बन गया होगा, इंटरेस्टिंग बन गया होगा। इफ़ यू लाइक द एडिटोरियल यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन लाइक द वीडियो एंड टेल मी योर लाइकिंग टुवर्ड्स द कंटेंट। फिर मुलाकात लूंगा आप सभी से, आज थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा इन लिंक से कारण, पार्डन मी फॉर दैट, कल से इस वेबसाइट से अपने डाउनलोड नहीं करेंगे न्यूज़पेपर को, इजाज़त दें मुझे, फिर मुलाकात लूंगा आप सभी से कल सुबह, तब तक के लिए योर इंग्लिश ट्यूटर एंड योर होस्ट अमन इज साइनिंग।